कल ईद का त्यौहार है जिसको लेकर गाजियाबाद की जिला पुलिस द्वारा लगातार सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद के पीएससी चौक पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं खुद गाजियाबाद के डीसीपी खुद यहां मौके पर पहुंचे हैं, बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर कल ईद का त्यौहार है, सर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो किस तरीके के इंतजाम किए गए? देखिए ईद के दृष्टिगत हम लोगों ने व्यापक इंतजाम कर रखे हैं। हम लोगों ने थानावार पीस कमेटी मीटिंग्स करी है जिसमें सभी समुदाय सभी धर्म के धर्मगुरुओं से हमने बातचीत करी है। साथ ही साथ जितने भी सुअर बाड़े हैं सबको नोटिस दिए जा रहे हैं। इसमें ड्रोन से चेकिंग करी जा रही है। 10 क्यूआरटीज का एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट है। सुबह से कल हम लोग क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे और बाकी अर्ली मॉर्निंग पोस्टर पार्टीज निकाली जाएंगी। कोई मंदिर मस्जिद पे कोई कुछ सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए कुछ लिख देता है तो हमारी पोस्टर पार्टीज अर्ली मॉर्निंग में ही सुबह निकल जाएंगी। सर अगर बात करें सुरक्षा की तो आपने बताया जिस तरह से टीम कितनी रहेंगी इसके जो पूरी इसकी निगरानी रखेंगे? देखिए 10 क्यूआरटीज हमने अलग से डिप्लॉय करी है और जितना भी सिटी जोन का फोर्स है पूरा लगभग 700 लोग का फोर्स है पूरा फील्ड में रहेगा। सुबह से सब अधिकारी भी क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे और कंट्रोल रूम के द्वारा हम जहाँ भी नमाज जिस भी समय खत्म होती है उसकी पूरी एक सूची बना के हम लोग को अपडेट करा जाए। सर ड्रोन की अगर बात करें तो ड्रोन से किस तरीके ड्रोन कराएगा? देखिए ड्रोन से आज शाम को और कल सुबह चेकिंग करेंगे कि कोई असामाजिक तत्व कहीं हाई राइज बिल्डिंग में पत्थर का जमावड़ा तो नहीं कर रहे हैं, उसको हम सरकमेंट करने के लिए हम ड्रोन से चेकिंग करवाएंगे। तो साफ तौर पर जो गाजियाबाद के डीसीपी उनका ये कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए गाजियाबाद में ड्रोन से भी पूरी तरीके से निगरानी रखी जाएगी। हमारे साथ बातचीत करेंगे गाजियाबाद के नगर आयुक्त भी मौजूद है, नगर आयुक्त से बातचीत करेंगे। तो गाजियाबाद के नगर आयुक्त भी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सफाई सुथराई बड़ा मुद्दा होती है, किस तरह से पूरे पे निगर रखी जाएगी? यहाँ पे पानी के 4 टैंकर्स थ्रू आउट अवेलेबल रहेंगे। 4 प्रमुख गलियों में इनका पैच का मरम्मत का काम कराया गया है। इसके अलावा 4 जैसे मैंने बताया 4 पानी के टैंकर्स, 4 मोबाइल टॉयलेट्स रहेंगे और 4 ही स्वास्थ्य विभाग की क्यूआरटी टीम्स रहेंगी जो एनिमल रिमेंस को सड़कों पर या नालियों में इकट्ठा होने से रोकेंगे। इसके अलावा निगम के हेल्पलाइन नंबर 1800180302 पे भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो साफ तौर पर गाजियाबाद का नगर आयुक्त का ये कहना है कि एक टोल फ्री नगर निगम का जारी किया गया जिससे जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर पूरी तरह से नज़र रखी जा सके। तो अनुकान जोनी टाइम गाजियाबाद।